हाँ लाडो, खूब सेवा करवा रही भाभी से। भाभी को लेके चलोगी? हाँ पटना में रहने वाली है, भोजपुर की नहीं, पटना के रहने वाली हूँ। हाँ गैस, तो फिर हो क्यों रही है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों कर रहे हैं बातें और डेकोरेशन इतना अच्छा है ना चारों तरफ से, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। यहाँ पे देखिए ये सारा मतलब इतनी जगह है ना दीदी के घर कि हर जगह डेकोरेशन हुआ है, इधर से भी रास्ता उधर से भी खुल्लम खुल्ला है और पेड़ उड़ हैं इतने सारे। वहाँ पे देखिए डीजे लगा है, तो इस तरीके से है डेकोरेशन। तो सब लोग आए हुए थे, कितने लोग तो खा भी नहीं है, मैंने भी खा लिया था, मैंने तो कल के वीडियो में आपने देखा ही था। तो यहाँ पे डीजे लगा है, बच्चे सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने डांस किया था, बहुत ही लास्ट में किया था, क्योंकि अभी बच्चे हैं, गांव वाले खा रहे, रिश्तेदार खा रहे, कुछ लोग खा के चले गए, कुछ लोग बाकी हैं। तो अभी हम लोग तो एक बार खा लिए थे, वापस से फिर से हमने दोबारा खाया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सारे मतलब जो गाँव के बच्चे हैं वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पे अंकित भी कर रहा था, अभी लास्ट में अकेला अंकित अकेला ऐसा करता डांस है कि उसको सब देखते ही रह जाते हैं, वो ग्रुप में ही करता है, फिर सब लोग जितने लोग करते रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं और अंकित का अकेला डांस देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं, ये कोमल है, नेहा, तन्नु, महक, सब लोग यहाँ पे बैठ के देखे। तो मैं भी आ गई इन लोगों के पास बैठ के देखने। और मैंने जो बोला था ना, यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था इस वजह से मुझे म्यूट ही करना पड़ जा रहा था। यहाँ जो कुछ भी बातें मैंने की है कुछ भी नहीं मैं यहाँ पे डाल सकी, मैंने मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ जा रहा है। पर इंजॉय बहुत आया था, बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने, बहुत सारा इंजॉय किया था, इतना किया था कि बता नहीं सकती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, यहाँ पे देखिए भैया हैं, दीदी हैं, भैया हैं, जीजा हैं, मतलब मेरे हस्बैंड है और पीयू है, बातें कर रही है, मामा जी से बलून खेल रहे थे, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी देखो खाली खाली सा हो गया, रात को कितना अच्छा लग रहा था लाइटिंग में। और दिन में सारा कुछ सामान जो अरेंज करके रखा जा रहा है, सब खाली करके टेंट वगैरह जो भी, जिस टेंट वाले अपना मतलब जो भी सामान है अपना ले जाएंगे। और यहाँ पे आज बहू रानी का है पहली रसोई, तो ये आई है यहाँ रसोई के रसोई में, तो गैस की पूजा करी, मीठे बनाएगी, मीठे में बनाएगी खीर, गैस की पूजा कर लेगी। उसको आज भाई दुल्हन की पहली रसोई है। तो बहू रानी ने तो बनाया था खीर और गाजर का हलवा, लेकिन मैं उस टाइम नहीं थी, मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि कल मुझे भी निकलना है, तो उस वजह से मुझे कुछ ख़रीदारी करनी थी, तो इसलिए मैं नहीं थी। तो मैं ना वीडियो बना पाई, ना ही किसी ने वीडियो बनाया, सब ने बनाया भी वीडियो तो शॉर्ट वीडियो बनाया, लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, अंकित भी, नेहा भी, कोमल भी, लेकिन मेरी तरह कोई ब्लॉग का वीडियो नहीं बनाया, इसलिए इसमें ऐड भी नहीं कर सकती हूँ। तो लेकिन खाने को मिला था, शाम को जब आई थी तो ये रसम भी हुआ था, बहू रानी का मतलब होता है ना पहली रसोई, तो सब लोगों ने, जितने भी जेंट्स हैं सब ने खाया और सब ने पैसे भी दिए थे। पर वो रात में मैं नहीं बना पाई, रात में मतलब अंधेरा टाइप का था, अंधेरा मीन्स लाइट तो जल रही थी, लाइट भी था, लेकिन इधर मैं भी स्टफिंग करवा रही थी, दाल की पूड़ी वगैरह, खीर वगैरह बनी थी, तो चारी दुल्हन को साड़ी देने, लॉकेट, सिंदूर, बिंदी, ये सब, रबर, चूड़ियाँ आ रही है। है। नहीं साफ आ रहा था। अरे अगवा से हट, परी हटो तो।
चूड़ी माप नहीं पता था, हो जाएगा नहीं होगा कितना? दो चार मालूम नहीं, मुझे लगा ज्यादा बड़ा नहीं, सही लग रहा मुझे, ज्यादा बड़ा कलर नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा आपको दी ना। कहाँ दी? बस। और ये फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। अब भैया भाभी कोमल आज जा रहे हैं, उनका आज टिकट है, आज सैटरडे है, तो सैटरडे इनका ट्रेन है 12:30 का, और आज के दिन मैं भी जाऊंगी, मेरा ट्रेन है शाम, मेरी ट्रेन शाम की है। तो यहाँ पे देखिए सारे सामान वामान सब निकाल दिया गया है, और यहाँ महारानी जी खूब सेवा करवा रही है अपनी भाभी से, अपनी भाभी से खाना खा रही है, मोबाइल देख रही है, इसकी तो चलती सेवा करवा रही है भाभी से, तब से भाभी के कमरे में देख के मोबाइल देख रही, भाभी को लेके चलोगी खाना खाने को मिलता है? जाओ अहमदाबाद, आप अहमदाबाद जाओ, भाभी अब नहीं जाएगी, भाभी अमेठी जाएगी, जाओ वो फोन दे आना, अब उन्हीं के गुन गई है। तो भाभी आई है यहाँ बहू रानी से मिलने, क्योंकि अभी इनका टाइम हो गया है निकलने का, रिक्शा अभी आ चुका है घर पे, तो सबसे मिल लेती हैं। बहू रानी भी अपना पैर छू के आशीर्वाद ले लिए, उधर नेहा और कोमल का गले मिलना हो रहा है, मिलन हो रहा है, दोनों अब बिछड़ जाएगी, अब फिर से देखो कब मिलते हैं हम लोग, भंडारा होगा तब मिलेंगे, जब फैमिली इकट्ठा होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, फिर सब चले जाते हैं अपने अपने घर। यहाँ पर सामान निकाला जा रहा है, रिक्शा देखिए आगे खड़ा हुआ है, पहले सामान लोड होगा उसके बाद सब लोग बुलाएंगे। अब तो गले मिल ली, बिलती है जाती है जोड़ के, कहाँ कहाँ था सब जा रहे हैं, अरे आज अभी इसकी ट्रेन है, 1:00 की ट्रेन लोड तक आ जाएगा, जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी शाम को, हम निकल जाएं यार, हम आप ना करेंगे, बाय, जा रहे हैं गाइस, फिर मिलेंगे, पूजा करेंगे मंदिर की, पूजा करेंगे, अब उनका खेला हो चुका है, पटना में मिलेंगे, नहीं भोजपुर की नहीं, पटना के रहने वाली हूँ, बिना मांगे सबको देती हूँ, पटना में मिलेगा, हाय गाइस, नहीं दूर रास्ता जाता भगवान के आदमी, चल आ जा कहीं, हां उन्होंने लेता कैमरा, और कोई बचे तो नहीं, चला और हुआ बची बात, काम कर रहा है।
कितना बड़ा परिवार देखो, मेरी दीदी के यहाँ कितनी बड़ी फैमिली है, दीदी की जेठानी के तीन तीन बहू है, उनके बच्चे, दीदी की ननद, फिर हम लोग भी सब आ गए हैं। तो इस वजह से इतने सारे लोगों के बीच रहना कितना मज़ा आता, फिर जाके अपना अकेले रहो तो थोड़ा अखर तो होता ही है, खलता है, क्योंकि परिवार में रहने और अकेले रहने में फ़र्क बहुत होता है। और भी शादी के फंक्शन में, मतलब शादी में आए और इतने सारे इंजॉय किया और फिर जाने का समय आ गया, तो वो तो थोड़ा बहुत ही इमोशनल सीन होता है वो। मुझे भी रोना आ गया था, इतनी रोई थी कि कोमल से गले मिल के बहुत रोई थी मैं। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि जाने ही ना दूँ, मतलब एक साल पे हम लोग मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब साथ में ही रहें, बिछड़े नहीं। और दीदी यहाँ पे देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरे जैसे गांव के लोग आ गए हैं छोड़ने के लिए, लेकिन गांव के लोग नहीं है, दीदी की फैमिली ही है, इतनी सारी फैमिली, इतने बड़े परिवार हैं जो गाँव के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑटो रिक्शा तक हम लोग जा रहे हैं छोड़ने। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।